जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, अंटिल आई कैन रन आई विल रन, व्हेन आई कांट रन आई विल वॉक, व्हेन आई कांट वॉक आई विल क्रॉल, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप मूविंग। ये सिद्धांत होता है जीवन में। टिल आई लीव, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल कीप वॉकिंग, आई विल कीप क्रॉलिंग, बट आई विल मूव। तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारे समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की। नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। ये युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई, स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी। तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी, स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई। बस में बैठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर, मतलब एंग्शियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंग्शियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू, कहीं ये यंग मदर्स को अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, दो तीन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पे मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज अलाइट हैज गॉन इनटू द बस, बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया, तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर वन आवर कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million, मिलियनर यूथ बन गया ना, विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजराती मां वेल आऊ जो आटलू मोड़ू कराए नहीं, घर એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા હશે કે પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને, આવા નાવા લોકો એમ કઈ પાછું આમ ઉભો ઉભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કઈ બલિવાન ના આવે। લેકિન ઉસને પોઝિટિવલી કુછ સોચા, ચલો હમ યહાં બેઠે, અગર કહીં સે કોઈ ચૂહા નિકલ આયે યહાં તક આ જાયે,
ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहाँ से दौड़ता हुआ वहाँ जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे। ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप, ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य, तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करें, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करें। हस यू जेंटलमैन, सॉरी सॉरी अगेन, ओ दैट डजंट कम इन बाय, यू कैन पुट द सेंसर्स, ओके। विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ आप बताए। हाँ सो सफाई बरोबर नहीं मुक्त है, वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स, लेट मी कम टू द टॉपिक। तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना, अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे, $5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी, हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है, वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी तो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा, उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी, कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी। इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं, और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया? मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे, कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में आप यहां जो डेवलपर्स बैठे हैं, ये एक अंतर्दृष्टि करना कि दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पाना वो क्या है, और वहां 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना वो क्या है, और वो भी पत्थर का नकासी काम का काम, वो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं कि बिल्ड करके बेच देना, ऐसा नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज और 7,000 आर्टिसंस काम कर रहे थे, पूरे मुंबई में एक भी साइट नहीं होगी जहां 7,000 काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, अभी तो और कम करते होंगे, स्लैक सीजन चल रही है, सब दबा हुआ है। 7,000 artisans were working at the peak of it, and Pramukh Swami completed the project in 5 years.